हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेकेंड प्लेट इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार तो नहीं पूछा गया है, लेकिन एक बार शायद 2015 में पूछा है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट के दृष्टि से हमने इस क्वेश्चन को लिया है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होते हैं दो प्लेट, आपको भी पता है, और दोनों प्लेट का एरिया होता है बराबर। ऐसा ये लाइन कोई रॉड नहीं है, इस टाइप के दो प्लेट होते हैं, दो प्लेट जिसका एरिया इक्वल होता है। हम क्वेश्चन पर ही आएंगे किस कारण से सेकेंड प्लेट लिया जाता है। एक प्लेट को हम सोर्स से जोड़ते हैं, सपोज कि ये डीसी सोर्स है तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, और दूसरे सोर्स को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ सकते हैं, या दूसरा प्लेट जो है वो आपका अर्थिंग होगा, अर्थेड होगा। तो ये यूँ समझ लीजिए कि हमने इसको सोर्स से जोड़ा तो इस पर जमा होता है पॉजिटिव चार्ज, पहला प्लेट पर जिसको सोर्स से जोड़े हैं, हाई वोल्टेज से जोड़े। और जैसे ही इस पर प्लस क्यू चार्ज जमा हुआ तो इंडक्शन के कारण इस पर हो जाता है, दूसरा प्लेट बगल में रख देने से ही इस पर उतना ही आ जाता है निगेटिव चार्ज, इंडक्शन के कारण निगेटिव चार्ज। तो ये हो गया होगा माइनस क्यू, माइनस क्यू। तो सवाल उठता है क्या सर ये माइनस क्यू आया चार्ज, तो चार्ज का तो कंजर्वेशन होता है, चार्ज यहाँ से माइनस क्यू कहाँ से आ गया, पहले नेट चार्ज इस पर जीरो था और यह एक आइसोलेटेड सोर्स है, आइसोलेटेड प्लेट है। आइसोलेटेड प्लेट मतलब इसे किसी सोर्स से नहीं जोड़े हैं। तो ये माइनस क्यू चार्ज कैसे आ गया, ये तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल को मतलब कि अमान्य कर रहा है, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल लागू नहीं हो पा रहा है। नहीं, इधर अगर माइनस क्यू आया तो उतना ही दूसरे तरफ प्लेट के दूसरे सरफेस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, जो कि अर्थिंग होने के कारण ये पॉजिटिव चार्ज चला जाता है ग्राउंड। क्यों? क्योंकि ग्राउंड का पोटेंशियल होता है जीरो वोल्ट, ऐसा हम बतलाएं। अब सवाल है कि ठीक है, जब इस पर हमको चार्ज ही लाना था तो ये दूसरा प्लेट क्यों रखें, इस पर तो एक ही प्लेट रखते तो चार्ज आ जाता। जी नहीं, दूसरा प्लेट रखने से इसके बगल में आ जाता है निगेटिव चार्ज, जो इस चार्ज को स्टोर करने में मदद करता है, हेल्प करता है, और ये जो अर्थिंग जो है वो हमको इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने में और मदद करता है। तो अगर कहे कि दूसरा प्लेट को हम लोग अर्थिंग क्यों करते हैं, तो अर्थिंग हेल्प अस फॉर फर्दर राइज इन कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। अर्थिंग जो है किसी कैपेसिटर के कैपेसिटांस को और बढ़ाने का काम करता है। दूसरा प्लेट का क्या काम है, तो यह चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। आंसर कैसे लिखेंगे इसको, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे तो क्या ऐसे फिगर बनाकर समझा देंगे क्या, वैसे तो काम चलेगा नहीं। तो इसका आंसर हम लिख देते हैं शब्दों में, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप लोग वीडियो लाइक करना भूल जाते हैं, और जो स्टूडेंट चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं अभी का अभी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, हम क्वेश्चन लिखकर आपके सामने समझा देते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे व्हेन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर connected with supply, connected with supply, supply मतलब source से, then its one plate charged with positive charge, charged with positive charge, पॉजिटिव चार्ज एंड चार्ज ऑन अदर प्लेट इज निगेटिव विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड दूसरे प्लेट पर निगेटिव चार्ज होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज पहले प्लेट के चार्ज के बराबर मैग्नीट्यूड में होते हैं।
The second plate helps to store the charge. In capacitor में चार्ज को स्टोर करने के लिए सेकेंड प्लेट आवश्यक होता है, यही उसका कार्य है। हिंदी में क्या लिखेंगे, जब किसी समानांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित किया जाता है, को स्रोत के साथ जोड़ा जाता है, तो एक प्लेट पर धन आवेश जबकि दूसरे प्लेट पर समान परिमाण के ऋण आवेश उत्पन्न होता है जो कि आवेश संग्रह करने में मदद करता है। तो इतना ही बात लिखना है स्टूडेंट्स कि बेसिकली जो सेकेंड प्लेट है उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, जो कि उस प्लेट में, उस कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करके रखने में मदद करता है। तो बेसिकली यही सेकेंड प्लेट का फंक्शन हुआ। होप सो कि आप समझ गए होंगे।